का पूरा जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो ना इतने इतने किले होंगे, इतने इतने किले हो जाएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह का इलाका है वो थोड़ा उछला इलाका है, वहाँ पर पानी इतना नहीं भरता क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके से खाली पानी निकलता है, मगर ये अजमेर सिटी के अंदर अब देख सकते हैं मेरा कितना कितना पानी यहाँ पर आया हुआ। अजमेर शरीफ के कितने इलाकों में यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ, और जितने भी आसपास की झील है ना, चौपाटी है, सब जगह पानी भरा है, और जहाँ जहाँ पानी भरा है और जहाँ पोल खड़े हैं वहाँ की हमने सारी अभी लाइनें काट दी गई है। पानी भरा हुआ इतना पानी तो मतलब आगे जाएंगे इतना रुकते रहेंगे पानी में। मित्तल चौराहे के पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप भी बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से, और यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही है वो काफी। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ आना सागर चौराहे के ऊपर जहाँ पे चौराहा है ये पूरा, एक गाड़ी आने जाने का यहाँ से काफी हजारों गाड़ियां रोज गुजरती है, मगर आज यहाँ पर पानी से लबालब है। आप देख सकते हैं मेरा कितना कितना पानी यहाँ पर आया हुआ, अजमेर शरीफ के कितने इलाकों में यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ। और ये लिंक रोड कहलाता है, लिंक रोड का जो चौराहा है ये वहाँ का पूरा नज़ारा है आपको, लिंक रोड का चौराहा। अभी यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं और आएंगी पीछे से, तो अभी गाड़ी आ भी रही है, बाइक वगैरह आ रही है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ से गाड़ी बड़ी छोटी सभी गाड़ी निकल रही है आपको, वहाँ पर ट्रैक्टर निकलता भी दिख रहा है। पूरा अजमेर का भी इसी तरह का हाल है क्योंकि अजमेर में रुक रुक के यहाँ पर लगातार बरसात आ रही है, बरसात के बाद में अभी पूरा नज़ारा मैं आपको और भी दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह अजमेर में जगह जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है किस तरह, और लोगों को असुविधा भी हो रही है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी हो रही हैं। तो अजमेर का कुछ इस तरह का नज़ारा, कुछ इलाके यहाँ पर जो अजमेर शरीफ दरगाह का इलाका है वो थोड़ा उछला इलाका है, वहाँ पर पानी इतना नहीं भरता क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके से खाली पानी निकलता है, मगर ये अजमेर सिटी के अंदर जो मेन सिटी है अजमेर सिटी, इसके अंदर आप नज़ारा देख सकते हैं, कई जगह पर हमें इस तरह के पानी के नज़ारे देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से दिखाते हैं और भी नज़ारा अजमेर शरीफ का किस तरह का नज़ारा होने वाला है। देख सकते हो दोस्तों ये आना सागर जो चौपाटी है, लिंक रोड चौपाटी, ये वहाँ का पूरा नज़ारा किस तरह अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे तो काफ़ी गहराई में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये अभी अजमेर में जो रुक रुक के बरसात आ रही है, तेज़ बरसातें आ रही हैं उसके कारण ये पूरा ये है अजमेर में कई इलाकों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, इस तरह का कुछ पूरा ये नज़ारा है आप देख सकते हैं कि हमने आना सागर के साथ ही चलेंगे वहाँ भी दिखाएंगे कि पूरे मार्केट यहाँ पर बंद पड़ी हुई, ये रोड बिल्कुल एक तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी कटी हुई है, लाइट का काम है यहाँ पर पानी भरा हुआ है अजमेर में। सर आना सागर की जितनी भी आसपास की झील है ना, चौपाटी है, सब जगह पानी भरा है, और जहाँ जहाँ पानी भरा है और जहाँ पोल खड़े हैं वहाँ की हमने सारी अभी लाइनें काट दी गई है। तो ये लाइनें कब तक खड़ी रहेंगी? ये जब तक सर पानी खाली नहीं हो जाता, जब तक किन किन इलाकों में आपने लाइनें काट रखी है? सर ये अपने जो पुरानी चौपाटी है इसकी काटी है अभी तो, और जहाँ पे अभी जहाँ पानी निकल रहा है उसकी भी पोल की सप्लाई काट दी गई है। जब तक अभी ये पानी उतरेगा नहीं, जब तक सर लाइनें चालू भी नहीं हो पाएगी, इधर की लाइटों की स्ट्रीट लाइट ही कटी, सब स्ट्रीट लाइट काटी है सर अभी। तो आप स्ट्रीट लाइट में काम करते हैं? जी सर, मैं नगर निगम स्ट्रीट लाइट से हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है और मैं श्री जाम्बे इलेक्ट्रिक से हूँ। ये हमने भैया से ही मालूम करता, भैया ने बताया भी था हमें कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट कटी हुई और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है इधर उधर खड़े हुए आपको देखेंगे, तो देख सकते हैं पूरा इस तरह का ये नज़ारा है जो आना सागर लिंक रोड चौपाटी है, वहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिक्शा जो आ रहा है वो भी पानी में से कितना कितना डूब के रिक्शा इस टाइम आ रहा है, देख सकते हैं पूरा ये नज़ारा आना सागर चौपाटी का नज़ारा है जो कि लिंक रोड चौपाटी कहलाती है, इसमें पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना जो हमारे दोस्त भी आपको चलते दिख रहे होंगे उनका दिख भी रहा होगा कितना कितना वो पानी में डूब चुके हैं, और आगे जो शख्स आ रहा है जो आदमी आ रहा है वो भी आपको देख सकते हैं कितना कितना पानी में डूबकर वो अपना रिक्शा चलाते हुए यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा ये जो चौपाटी का गेट है, गेट भी आप देख सकते हैं कि गेट में भी पूरा गेट एक तरह से पूरा गेट ही बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर आना सागर चौपाटी का, ये पूरा आना सागर चौपाटी पानी में डूबी हुई है। और अभी हम चलेंगे दूसरे रात पे चल के भी आपको दिखाएंगे किस तरह का यहाँ का है भैया। अरे कितना आगे कितना पानी भरा भैया, इतना पानी एकदम बिंदास, तो मतलब आगे जाएंगे इतना डूबते रहेंगे पानी में, रिक्शा नहीं डूब जाएगा। अरे वाह यार, बहुत बहुत डूबा रिक्शा तो। कितना है पानी आगे कितना भरा हुआ है? इतना इतना भरा हुआ। तो इसी रोड से आगे पूरा जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो ना इतने इतने किले होंगे, इतने इतने किले हो जाएंगे। अरे भाई रोक गया मेरे चप्पल, अजमेर ऐसा होना चाहिए और पानी बनना चाहिए। तो देख सकते हैं पूरा चौपाटी का नज़ारा जहाँ पर हमें और पानी आया और हमें बस इसी तरह का कुछ ये आना सागर चौपाटी का नज़ारा देख सकते हैं। मित्तल चौराहे के ऊपर आप देख सकते हैं मित्तल चौराहे का 24 घंटे बरसात रुके होगा, 24 घंटे के बाद भी हाल है कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पानी से लबालब है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, ये मित्तल चौराहे के पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप भी बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से, और यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही है वो काफ़ी पानी के बीच में से होकर गुजर रही है, आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखा रहा है हम, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर पानी में नहाते हुए आपको नजर आएंगे।
ये पूरा नज़ारा है। 24 घंटे प्रसाद को बंद हुए हो चुके हैं, उसके बाद भी मित्तल चौराहे का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से पानी पानी है चारों तरफ, और जो भी गाड़ी निकल रही है सब पानी के अंदर से होती बाहर की तरफ निकल रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो आ रहा है, ट्रैक्टर भी काफ़ी आधा आधा ट्रैक्टर यहाँ पर डूबा हुआ है, और उसमें से होकर ये गाड़ी बाहर निकल रही है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा।